हेलो फ्रेंड्स, द मॉर्निंग न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज 8 दिसंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आधार लिंकिंग की जो डेडलाइंस थी उसको क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 31 दिसंबर थी और अब इसको 31 मार्च कर दिया गया है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने कल नोटिफिकेशन जारी करके कहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि अगले वीक इसकी हियरिंग होनी है। ठीक है, और जो UIDAI है उसने कहा है कि लिंकिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। राइट, तो ये थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, कितने लोगों को अब तक आधार कार्ड इशू हुआ है, तो उसमें देखिए अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, अभी असम में सिर्फ 5.8 हुआ है, मेघालय में 7.6, मिज़ोरम में 51.1 हुआ है। मिज़ोरम बेटर है, अरुणाचल प्रदेश भी बेटर है 53। ठीक है, नागालैंड भी। तो ये देखिए, असम मेघालय में ये बहुत अभी पीछे है। ठीक है, सिर्फ 5% और 7% के अराउंड ये हुआ है, जबकि अदर स्टेट ये देखिए ये तो एबव 60 है। जो बड़े बड़े स्टेट हैं, बिहार हो गए, बिहार में तो 76 है, यूपी में 83 है। ठीक है, तो मतलब लिंकिंग जब करना है तो कम से कम ये सारे पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक ये आधार कार्ड ही नहीं बनेंगे तो फिर ये लिंकिंग का मतलब इनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो ये एक तरीके से डिप्राइव्ड हो जाएंगे। और ये देखिए एक न्यूज़ है, कल बहुत ही डिस्टर्बिंग एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मोहम्मद अफरजुल खान है, 50 साल का ये बुज़ुर्ग, इसको हैक कर दिया गया। इनको मारा गया पहले, उसके बाद इसको जला दिया गया। ठीक है, और ये जो जिस बंदे ने मारा है उसके बाद इसने वीडियो भी जारी की और उसमें ये कहा है कि मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये लव जिहाद के केस हो रहे हैं, इसलिए इसको रोकने के लिए। तो बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है। ठीक है, और ये बाद में वैसे गिरफ्तार भी हो गया। और अगली न्यूज़ देख लेते हैं हमारे लिए कौन सी है। तो कांग्रेस सस्पेंड सय्यद फरहान। देखिए, इन्होंने पीएम मोदी को नीच कहा था, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया इनके खिलाफ और इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया है, मणिशंकर अय्यर को। अगली न्यूज़ देखिए, मिनिस्टर्स नॉट रन आरटीआई दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। एक्चुअली हुआ ये था कि 2016 का केस है, 12 मार्च 2016 को इन्होंने वर्डिक्ट दिया था CIC ने। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने, उन्होंने ये कहा था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आरटीआई के तहत आते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड आंसरेबल अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा था कि जो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज़ होते हैं। राइट, लेकिन फिर ये जो कल जजमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, एक तो CIC को अधिकार ही नहीं है कि ये बात डिक्लेयर करे कि कौन पब्लिक अथॉरिटी होता है कि नहीं होता है, और वैसे भी इन्होंने ये कह दिया कि आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए, एक्चुअली हुआ यूँ था कि लॉ मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक बंदे ने को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसने एप्लीकेशन डाली। ठीक है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी को लॉ मिनिस्ट्री में, तो लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर उसने CIC को उसने RTI डाला। ठीक है, तो उसी पे ये इन्होंने एक्शन लिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये पब्लिक अथॉरिटी होते हैं। राइट, और लेकिन फिर बाद में देखिए ये कल ये फाइनली ये डिक्लेयर हो गया कि ये मतलब ये कह रहे हैं कि CIC को कोई अधिकार नहीं है कि वो डिक्लेयर करे कि कौन पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। ठीक है, ये उनका स्कोप नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है, और उन्होंने ये भी एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि ये मिनिस्टर्स RTI के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की डिटेल लिखें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुटरी बॉडी है, कितने ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है, इनकी एज क्या होती है, सारी डिटेल प्लीज़ इसमें मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। राइट, और ये देखिए, हाई कोर्ट ने कल काफ़ी तल्ख अंदाज में कहा है कि ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक्टर को, डायरेक्टर को और आर्टिस्ट को एक तरीके से थ्रेट किया जाता है, धमकाया जाता है। ठीक है, उन्होंने ये पद्मावती से रिलेटेड ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि संजय लीला भंसाली कंट्रोवर्सी एट फिल्म पद्मावती ऑब्जर्व दैट डायरेक्टर हैज़ नॉट बीन एबल टू रिलीज हिज फिल्म एंड एक्ट्रेस इज़ फेसिंग डेथ थ्रेट। तो ये कह रहे हैं कि बहुत शर्म बात है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक किसी बंदे को रोका जाता है फिल्म रिलीज़ करने के लिए और उसकी एक्ट्रेस को जान के खतरे की भी धमकी दी जाती है।
ठीक है, उन्होंने देखिए ये भी कहा कि वाइल हियरिंग द पिटीशन फाइल्ड बाई द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द, देखिए दो मर्डर हुए थे पंसारी और दाभोलकर का, तो उन्हीं से रिलेटेड हियरिंग चल रही थी, उस पर इन्होंने ये बात कही है, क्योंकि इस जो ये इन दोनों लोगों का मर्डर हुआ था उसमें भी अभी तक एक्यूज जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सका है, तो उस पर भी बहुत ही सख्त, वो क्या नाम है, सख्त अल्फाज इन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये दो जो एजेंसीज हैं CBI और CID, ये क्या कर रही है, ये टू एजेंसीज कह रहे हैं कि, उन्होंने देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हैज़ एनी सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द टू एजेंसीज बॉदर टू फाइंड आउट वाई प्रोब इज़ नॉट गेटिंग एनी हेडवे। उन्होंने कह रहा है कि कोई आप लोगों को दिक्कत है कि क्या नाम है, इसकी प्रोब अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है, ये अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं, राइट। तो बस थोड़ा सा मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग थी, तो इसलिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये डिस्कस कर लिया हमने। अगली न्यूज़, हाँ देखिए ब्रह्मपुत्रा कई दिनों से आ रही है, तो आज ब्रह्मपुत्रा को हम देख ही लेते हैं। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा सनसेट गुवाहाटी में, तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको देखेंगे, मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, ये यहाँ से निकलती है और ये होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहा जाता है और फिर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, कहाँ पे, आसाम से, ठीक है। तो और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये देख सकते हैं आप, ये है दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली, राइट, और ये सुबानसिरी, मानस, ठीक है ना, डुबरी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो थोड़ा सा ये इन सारे ट्रिब्यूटरीज को याद रखें, हालांकि कल हमारे एक जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने कल इसको लिखा भी था कमेंट बॉक्स में, ये सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज लिखी हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। और ये सारी बहुत, चूंकि 2016 में UPSC में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप सारी चीज़ें ये याद रख सकते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज को, राइट। तो आइए देखते हैं और सारी न्यूज़ हमारे लिए, देखिए MLAs और MP जो है नागालैंड के, उन्होंने कहा है कि जो नागा एकॉर्ड है उसको एक तरीके से जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि स्विफ्ट सोल्यूशन टू नागा प्रॉब्लम, उन्होंने इसी से ऐसा कहा है, राइट। तो नागा एकॉर्ड आप लोगों को पता होगा, अभी तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं है और काफ़ी इस पर डिमांड हो रही थी कि इसको पब्लिक में किया जाए और सारे स्टेक होल्डर को उसमें शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी न्यूज़ और ये एड, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो देखिए आप, तमिलनाडु और निशान का एक जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको इन्होंने एक आर्बिट्री जो ट्रिब्यूनल होते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसमें वो ये मूव कर गए हैं, राइट। हालांकि इसने हाई कोर्ट में, तमिलनाडु ने एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने से इनको बचाने के लिए, लेकिन फाइनली ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी ट्रिब्यूनल को इन्होंने रीच किया है, ठीक है। 770 मिलियन का एक इन लोगों का मैटर है, इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने हमको देने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक इन्होंने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड नहीं कराया था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये मैटर था। और अगली न्यूज़ यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं है, हाँ देखिए ये एक है, इन्होंने कहा है, CJI ने कहा है कि वुमेन डज नॉट मॉर्टेज हर सेल्फ टू अ मैन विथ मैरिज, ये ठीक है ना। तो एक तरीके से ये कह रही है कि शादी का मतलब ये नहीं होता है कि औरत अपने आप को गिरवी रखती है, ठीक है। देखिए एक एक्चुअली पारसी वुमेन थी, इन्होंने एक हिंदू से शादी की थी, तो इनको क्या किया गया है, इनको जो टावर ऑफ साइलेंस होता है, टावर ऑफ साइलेंस मतलब जहाँ पे डेड के लिए लोग प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पे इन्हें जाने से रोक दिया गया है, तो उसी की हियरिंग चल रही थी, उसी पे इन्होंने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर शादी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, राइट। तो यही कह रहे हैं कि अगर आप, शी एक्सरसाइज हर राइट टू मैरी आउटसाइड हर कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा हैड ऑब्जर्व। उन्होंने ये कहा कि ये अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करते हो तो भी आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो इंटैक्ट होती है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपने अगर इंटर रिलीजियन मैरिज की, ठीक है, दूसरे मजहब में शादी की, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप कन्वर्ट हुए हो, ठीक है ना। दो अलग अलग बंदे शादी करके, दो अलग अलग रिलीजन, दो अलग अलग फेथ को वो फॉलो कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद वो अपने, उसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसी को इन्होंने कहा है कि आप कैसे उनको बार कर सकते हो जबकि आपको ये भी पता नहीं है कि उसने कन्वर्जन किया है या नहीं किया है, क्योंकि देखिए
अब चूंकि ये राइट का मामला आ गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे मेंशन है, ये आर्टिकल जो है 13 जो है ये कहता है कि कोई भी कस्टमरी या स्टेचुटरी लॉ जो होता है वो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आर्टिकल 372 और आर्टिकल 13 इसको डील करते हैं। तो यही कहता है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, विच मैंडेट दैट लॉ शुड नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखें, ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 372 भी है, वो भी ये है कंटिन्यूएंस ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 372 और आर्टिकल 313, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड मैटर है, ये देखिए कोलेजियम जो होता है जो डिसाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को, तो उन्होंने ये कहा है कि जो जजेस की परफॉर्मेंस होती है उसको हाई कोर्ट ही व्यू करेगा और उसी का ऑर्डर या उसी का रिकमेंडेशन प्रिवेल करेगा। हुआ यूँ था कि अभी इन्होंने कर्नाटका से रिलेटेड कुछ लोगों को जजेस कर्नाटका में मतलब हाई कोर्ट में कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है वहाँ के उन लोगों से भी राय ली जाती है, लेकिन इन लोगों ने थोड़े से इस अपॉइंटमेंट में इस कंसल्टेशन में ना थोड़े से मतलब इन्होंने ये कहा था कुछ लोगों पर इनको डाउट था, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो नेम रिकमेंड किए गए थे उसमें इन्हें क्या दिया गया था कि ये कुछ पर्सन हैं जो कि इसके मतलब लायक नहीं है, या इन्होंने कह दिया था इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो ये मैटर नहीं करता, फाइनली मेरिट और एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस ये कैरेक्टर कंडक्ट ऑफ द रिकमेंडीज ये सारा हाई कोर्ट का जो कुलेजियम होगा वही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि जुडिशियरी ही सब कुछ डिसाइड करेगी, इन लोगों का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब इनका कंसल्टेशन होगा लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से प्रिवेल जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, इनके जो रिकमेंडेशन होंगे वही प्रिवेल करेंगे अपॉइंटमेंट में, ठीक है। ये एडिटोरियल एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगली न्यूज़ जो हमारी होगी, देखिए नो चेंज इन आवर पॉलिसी ऑन पैलेस्टाइन, आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक नई हवा दी है और एक तरीके से फिर माहौल ख़राब कर दिया है पैलेस्टीन का। उन्होंने ये कहा है कि जेरूसलम को हम कैपिटल मानते हैं, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जेरूसलम को और उन्होंने कहा है कि हम अपनी एम्बेसी जो है वो तेल अवीव से जेरूसलम में बनाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा एक तरीके से नाराज़गी हो गई है पूरे अरब कंट्रीज़ में। और तो उसी पर इंडिया का ये कह रहा है कि इंडिया ने अपने स्टैंड को मतलब एक तरीके से कोई स्टेटस को है इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो वैसे ही रहेगी, ऐसा ये कहा गया है। और क्योंकि सीपीआई के कुछ लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया ने कोई आउटरेज शो नहीं किया यूएस के डिसीजन के खिलाफ, और इन्होंने कहा था कि इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, राइट। और बंगाल पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड किलिंग, देखिए जो कल मर्डर हुआ था हमने पहले जो न्यूज़ डिस्कस की थी, तो चूंकि वो बंदा तो बंगाल का था इसलिए वहाँ पे इसको देखिए कंडेम्ड किया गया। और ये राजनाथ सिंह वहाँ पे कल थे, इन्होंने एक्चुअली ये आंसर कर रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये, और ये मीटिंग जो रिलेटेड थी वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, राइट। और ये देखिए सीजीआई फॉल्स कंडक्ट ऑफ द सब सीनियर एडवोकेट, तो सीजीआई ने देखिए कल क्या हुआ, कुछ अक्सर होता है कि कुछ लोग बड़े जो सीनियर लॉयर होते हैं वो कोर्ट रूम में चिल्लाने लगते हैं या उठकर या फिर वॉकआउट कर जाते हैं चिल्लाते हुए बाहर, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है कंडक्ट वो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये चीज़ें क्या नाम है ये अच्छी रही है, ठीक है ना। इन्होंने यही कहा है सीजीआई फॉल्स कंडक्ट ऑफ द सब सीनियर लॉयर, तो इन्होंने कहा है कि ये क्या नाम है अच्छा नहीं है, आप लोग जो आपका जो बिहेवियर है कोर्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और ये इलेक्शन इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये जो है इसको तो आप ज़रूर याद रखिएगा, यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर लिया है, राइट। ऐसा मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है, तो 2 साल में ये तीसरा हमारा तीन मतलब चीज़ें हो गई जो इंक्लूड की गई है, एक तो योगा था, दूसरा नवरोज और तीसरा ये कुंभ मेला हो गया, ठीक है। तो आप याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप याद रखें कुंभ मेला भी उसमें शामिल हो गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की साइट में। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया गया है, मतलब अब जो गे कपल होते हैं वो लीगली मैरी कर सकते हैं, ठीक है।
तो सेम सेक्स मैरिज बिल वहाँ पे पास कर दिया गया है। और ये देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को ये कह रहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा में देखिए फिर से ये क्लैशेस शुरू हो गए। ये वही है जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान की ही ये देखिए वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ये उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए नेपाल में आप लोगों को पता होगा नेपाल में इलेक्शन हो रहा है, तो अच्छा देखिए वो टर्न आउट है वहाँ पे 67%। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके तहत, तो अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे। और सेबी देखिए क्या है, सेबी बुल्स अलाउिंग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट टू कमोडिटी डेरिवेटिव्स। आप हमें एक चीज़ बताएं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, राइट? ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए FRDI जो बिल लाई गई थी हमने इसको डिस्कस किया था, FRDI है क्या, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, ठीक है। तो इसमें ये जो बेल इन का जो प्रोविज़न था, मतलब ये था इसमें कि इसमें एक पहले प्रोविज़न हुआ करता था जिसमें अगर बैंक बैंक्रप्सी की सिचुएशन में हो जाता है तो आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का प्रावधान था कि 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, और ये चेंजेस ये है कि अब उनको सिक्योरिटी के थ्रू उसमें देने की, मतलब उसमें एक तो लिमिट नहीं इन्होंने बताई है कि कितने पैसे देंगे, और दूसरे इसको सिक्योरिटी के थ्रू देने की बात की गई। तो उसी पे ये कह रहे हैं कि FRDI बिल जो है वो मतलब एक तरीके से सफाई दे रहे हैं कि इसमें जो डिपॉजिटर ये जो बिल है वो डिपॉजिटर फ्रेंडली है, मतलब डिपॉजिटर के प्रोटेक्शन का इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। यही इन्होंने लिखा है कि FRDI बिल इज़ फार मोर डिपॉजिटर फ्रेंडली देन मेनी अदर जुडिशन, ठीक है। क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आई थी इसमें पेपर वगैरह में कि अब जो आपके बैंक में पैसे हैं जो सेफ नहीं रहे इस तरीके से, तो उसी पर ये गवर्नमेंट ने सफाई दी है। और ये देखिए बिटकॉइन जो है तो इसको इंडोनेशिया ने बैन कर दिया वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कह दिया है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, इंडिया में भी ये लीगलाइज नहीं है। हमने डिस्कस किया था इसको, अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो 2-3 दिन पहले के लेक्चर में इसमें हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा देखिए जो WTO है उसकी मीटिंग हो रही है, होनी है सॉरी 10 से 30 दिसंबर तक। और ये कहाँ होगी है, ये देखिए पहली बार जो है ये अमेरिका में साउथ अमेरिका में हो रही है, और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना जो कंट्री है उसके शहर शहर का नाम है ब्यूनोस एयर्स, और ब्यूनोस एयर्स का मतलब होता है फेयर विंड, ठीक है। तो ये एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मीन्स होता है, तो यही कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है वो बड़ा सही ये फिट होता है क्योंकि सिचुएशन जो है वहाँ पे WTO में जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है, विंड को ही फेयर विंड सी मतलब वहाँ पे देखने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इंडिया का जो इसमें इंटरेस्ट है वो फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, ये इंडिया के मेन इशू है। तो इंडिया इज सेट टू रिटेन फूड सिक्योरिटी राइट एट द प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड फिशर फॉक एट टॉप प्रायोरिटीज़। तो ये इंडिया के जो इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो ये सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़, और एक और न्यूज़ थोड़ी सी देखेंगे हम। ये देखिए इन्होंने ये पता लगाया साइंटिस्ट ने कि जो शुरू के डायनासोर्स थे उनकी साइज छोटी थी, ठीक है, 45 सेंटीमीटर टाल थे, और ये कह रहे हैं कि ये 75 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं मंगोलिया में। और ये देखिए ये बता रहे हैं कि इनके जो स्केल्टर और इनका जो वो था वो इस तरीके का कुछ था, इनकी जो बिल थी वो डक की तरीके से थी, ये पोस्टर देखिए डक जैसा था, इसके जो टीथ थे वो क्रोकोडाइल जैसे थे, और इसके स्वान टाइप का इसका नेक था एंड किलर क्लॉज, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि न्यू डायनासोर स्पीसीज इसको अनकवर किया है साइंटिस्ट ने, मतलब ऐसे भी डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ एक देखिए आप लोगों को अगर ये न्यूज़पेपर चाहिए तो नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है ना, तो गूगल ड्राइव की लिंक है उसको आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ हमारे व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब अच्छे कमेंट्स इन द सेंस कि मतलब ये जो चीज़ें कुछ जैसे आज हमने डिस्कस किया CIC, ठीक है ना, तो आपको CIC से रिलेटेड हो सकता है कि नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। CIC क्या होता है, CIC में कितने मेंबर होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स भी प्लीज़ देखते रहा करें, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।